यस प्रांजल प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हमने लास्ट टू लास्ट ईयर करा था ये कि एक ट्रेजर हंट करा था, तो उसमें श्रीमद् भागवतम से रेफरेंसेस थे अलग अलग, और हमें वो सारी चीजें ढूंढनी थी। एक ग्राउंड था वहां पे ढूंढना था, और जो सबसे ज्यादा रेफरेंसेस ढूंढने वाली टीम थी उसको प्राइज मिलना था। ये हमने करा था, और यस उसके साथ यस। लेक क्या किया था उसके साथ? क्लीनिंग करी थी माता जी। हम एक पार्क में गए थे, तो वहां पे उसके आसपास वो पॉन्ड था तो काफी गंदा था, तो हमने वो क्लीनिंग ओके ठीक है, हम लोग स्पिरिचुअल गेम्स खेल सकते हैं फिर से इकट्ठे होके, और ऐसे कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं सोशल। और क्या कर सकते हैं हम? मैं नाम लेके पूछूं? ओके चैतन्या प्रभु, क्या कर सकते हैं हम? जिनके वीडियोस ऑफ हैं उनसे मैं पहले पूछूंगी, फिर मैं पहले बता रही हूँ, जिनके वीडियोस ऑफ रहेंगे उनसे पूछा जाएगा। पहले चैतन्य प्रभु बताएंगे। यस प्रभु। माता जी, सोचो, पहले सोच रहे हो? कीर्तन में ओके मैंने वो सोचा था, लेकिन वो तो होते हैं। तो होते हैं। हाँ फिर से बोल सकते हो ना, कीर्तन मेला दोबारा बोल सकते हो, जो भी। ये भी तो एक्टिविटीज हमने की है ना पहले, जो प्रांजल प्रभु ने बोली, जो एक्टिविटीज हो चुकी हैं और आपको लगता है दोबारा होनी चाहिए, आप ऐसा भी कुछ बोल सकते हो। तो आपका हम कीर्तन मेला काउंट कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है? ओके तो वीडियोस किसके ऑफ हैं? यस, हमारा माता जी पेंडिंग भी है, क्योंकि हमारा कीर्तन मेला एक जन्माष्टमी से पहले हमारा अगस्त, होना था, बट वो कैंसिल हो अगस्त गया था। हाँ अगस्त में हाँ हमारा कैंसिल हो गया था। तो भक्ति विनोद प्रभु, आपका वीडियो ऑफ है, आप बताइए क्या कर सकते हैं, मुझे यस पता माँ जी, लगेगा। क्वेश्चन क्या मैंने सुना नहीं। यही यही कह रहे थे, वीडियो ऑन करो फिर पता लगेगा क्वेश्चन भी। तो नहीं क्वेश्चन माँ है कि, जी, हाँ जी माँ जी आप बोलो। मैं बोल रही हूँ कि ऐसे क्या एक्टिविटीज हैं जो हम दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, जो हमने काफी टाइम से नहीं की हैं, दोबारा से हमारा एंथुसियाज्म वापिस आए और एक बूस्ट मिले हमें फिर से सब चीजें करने के लिए। मेरा भी वैसे सेम ही है, रामजी की तरफ ट्रेजर हंट वाला। ट्रेजर हंट, कीर्तन मेला, ट्रेजर हंट, कैंप। अभी कोई और प्लीज, ये तीनों में से कुछ मत बोलना, फटाफट मैं सोच बताओ। हाँ जी अभी सोच के बता दूं। जी थोड़ा सोच लीजिए, तब तक किसी और की टर्न है, उसके बाद आपकी टर्न दोबारा आ जाएगी। तो जिसके वीडियोस ऑफ है हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके पास फिर से 2 मिनट है वीडियो ऑन करने के लिए, 1 मिनट, तब तक हमें कौन बताएगा? वृंदा, माधु जी, हमने लास्ट ईयर कुछ ऐसा किया था कि लाइक मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं हमने क्या किया था, बट कुछ ग्रुप्स में सब डिवाइड हुए थे और उन्होंने लाइक टॉपिक्स दिए गए थे और उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई थी मिलके, और वो दी थी, और उसके एंड में सबने उनसे क्वेश्चंस भी पूछे थे और ये सब। तो मतलब नॉट नेसेसरीली इन ग्रुप्स, बट हम कुछ ऐसा कर सकते हैं दैट हम कुछ प्रिपेयर करके आए और हम उस पर कुछ बोले, जैसे रुद्रा दीदी ने भी दी थी। वैसा कुछ करेंगे तो हम भी रिसर्च करेंगे और फिर हमारे फ्रेंड्स से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स रखें और आप सबको कुछ टॉपिक्स दे दें 5-10, और उसमें से रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं किसी से, ऐसा भी कर सकते हैं। एक्टिविटीज कुछ उस तरीके की। ओके तो अभी तुरंग अरोड़ा प्रभु, आपका वीडियो ऑफ है, आप बताइए। हरे कृष्णा, मतलब प्रभु क्लास में नहीं है। ओके अर्जुन प्रभु, आप कुछ बताएंगे और क्या कर सकते हैं हम? क्वेश्चन मास्टर जी, मैंने अभी अभी ज्वाइन करा है, तो मेरे को क्वेश्चन नहीं पता। है कि हम ऐसे, कोई और बता, कौन बताएगा क्वेश्चन एक बार? रुद्राक्षी, क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन था कि ऐसी क्या कौन से एक्टिविटीज आप लोग चाहते हो जिससे आप लोग स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो कर सको और आपको उसमें इंटरेस्ट भी है। स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना इस वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्ट का। नहीं, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो अर्जुन प्रभु, क्वेश्चन पता लगा आपको?
बात है, मैं थोड़ा सा टाइम दे दो सोचने के लिए। भक्ति प्रभु आपने सोच लिया? भक्ति प्रभु तो बाहर हो रहा है। हाँ, तो हमारे बीच में अभी स्मरण विनोदिनी माता जी आए हैं, तो हम एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के उनको वेलकम करेंगे। तो माता जी काफी टाइम बाद आए हैं, माता जी बहुत बिजी रहते हैं, आप सबको पता है नरेश गुप्ता नॉटी है, अब तो और नॉटी हो गया है, वो बड़ा हो गया है। तो हम हरे कृष्णा मंत्र बोल के माता जी का वेलकम करेंगे, आप लोग एक बार अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे। थैंक यू माता जी ज्वाइनिंग अस। महाराज जी, हरे कृष्णा टू एवरीवन। ओके, तो भक्ति प्रभु आप बताएंगे कुछ? फटाफट बताओ, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने को। हाँ माँ जी, हम एक टीम बना के एक क्विज कर सकते हैं। टीम बना के क्विज कर सकते हैं। और अर्जुन प्रभु आप लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, थोड़ा सोचो। और कुछ लोगों ने सोच भी लिया होगा फिर भी बोल नहीं रहे हैं। अर्जुन प्रभु अच्छा जी, हम मतलब ऐसे आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं, मतलब आर्ट और क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, आपको अच्छा लगता है आर्ट एंड क्राफ्ट? यस चैतन्य प्रभु, अच्छा जी, जो चीजें हैं पहले जो वर्कशॉप समर कैंप में हुई थी वो वापस कर सकते हैं। समर कैंप के वर्कशॉप्स को रिपीट कर सकते हैं। ओके भाविनी लास्ट। बल्कि मंत्रा क्लास हमारी होती थी वो बीच में रुक गई थी, पुरुषोत्तम मास के बाद उसके बाद शुरू हुई थी, तो वो कर सकते। जी, मंत्रा क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आइडियाज दिए हैं और इस पे हम जरूर काम करेंगे। बट आप लोगों का एंथुजियाज्म भी चाहिए उतना ही पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना? उतना ही जरूरी है जितना हम अगर कुछ ऑर्गेनाइज करें तो आप लोग एंथुजियस्टिकली उस चीज में पार्टिसिपेट करो, तो आइडियाज लाओ, तो ज्यादा आपको भी ज्यादा मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा, है ना? होता है ना ऐसे, अगर हम कुछ करें तो सामने वाले का रिस्पॉन्स बराबर आए तो हम और चीजें भी सोच पाते हैं कि ये इन्होंने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया तो हम कुछ और भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो ठीक आप लोगों को पता है लास्ट संडे से हमने क्या स्टार्ट किया है? क्या स्टार्ट हुआ लास्ट संडे से? अरिंदम प्रभु, दादा जी, वो 7 सीक्रेट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स वाला जो मैंने नया कोर्स लॉन्च किया है, धनराज मेघना। यस यस, तो आप में से कुछ लोगों ने देखा भी था ना, लास्ट टाइम कुछ आए थे लास्ट संडे, आप लोगों ने हमें रजिस्ट्रेशन में हेल्प किया था ना, जन्माष्टमी से हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने भाग भाग के किए थे रजिस्ट्रेशन। संडे को स्टॉल भी लगा था, राधाअष्टमी पे भी हमने स्टॉल लगाया था, आप सबने पार्टिसिपेट किया रजिस्ट्रेशन में और अभी हमारे पास हैं और हम लोगों को बहुत खुशी होती है बोलते हुए, खुशी हो रही है कि इस बार कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं पता है? आप लोगों ने जो मेहनत की है इसमें, आप लोगों ने कितने रजिस्ट्रेशन किए हैं? 45। हंड्रेड? वो 100? इतना भरोसा खुद पे? कौन बोला था? गौरी आपने बोला था? किसने बोला था? मैंने तनिष्का ने? नीचे तन ओके चैतन्य ने। ओ 100? नहीं 100 तो नहीं है प्रभु, इतना हमने मेहनत नहीं किया अभी। तो इस बार कौन था संडे क्लास में, तो कैसा था आपको बताओ, जो संडे इस बार आया था तो वो कुछ बताएंगे कितने रजिस्ट्रेशन के अराउंड थे और कैसा था? तनिष्का
52 रजिस्ट्रेशन आपकी वॉइस बहुत स्लो है। 52 रजिस्ट्रेशन हुए थे। हाँ 52 44 थे अराउंड 40, मतलब 44 किड्स ने ज्वाइन किया था हमें उस दिन, और हमारे पास स्पेस कम हो गया था, बच्चे रूम के बाहर चेयर लगा के बैठे हुए थे क्लास सुनने के लिए, तो इतना ज्यादा हमारे पास स्पेस नहीं था इस बार, बट होपफुली अब देखेंगे। अभी भगवान, अब फैमिली बढ़ रहा है ना हमारा नट्स का। आप लोगों को लगता है नट्स का फैमिली बढ़ना चाहिए, और भी डिवोटीज आने चाहिए इस फैमिली में, या आप लोगों को लगता है हम इतने ही काफी हैं, हम लोगों का अच्छा चल रहा है, माता जी सब फ्रेंड्स हैं, नए लोग आएंगे फिर उनको देखना पड़ेगा, क्या लगता है आप लोगों को, नए लोग आने चाहिए या नहीं, इतने काफी हो, आप लोगों को लगता है बस इतना ही ठीक है माता जी, क्या नए लोगों को उनसे डील करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, क्या लगता है आने चाहिए या नहीं? हाँ ना तो जवाब दो, कुछ सर हिला दो आने चाहिए, मतलब आप लोग को अच्छा लगेगा, सुन के अच्छा लगा कि आप लोग को अच्छा लगेगा कि और भी डिवोटीज आए, और हमारा नट्स रूम जैसे इस बार खचाखच भरा हुआ था वैसे ही भर जाए, और हमें दीवार तोड़ के और भी रूम्स को साथ में इकट्ठा करना पड़े, है ना उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए हमें, आप लोगों का हेल्प चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों ने अभी तक जो सीखा है अब आप लोगों को आगे बताना है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ मतलब आप लोगों को क्लास लेना पड़ेगा अगर आप लोगों को आगे कुछ सिखाना है किसी को, तो आप लोगों को क्लास लेना पड़ेगा, या और भी कोई तरीका है जो आप लोगों ने सीखा है उसको सिखाने का, आगे क्या तरीका है, कैसे सिखा सकते हो जो आपने अभी तक सीखा है उन लोगों को? सन्नाटा, प्राची, जी मजरी हम अपने बिहेवियर से भी सिखा सकते हैं। वेरी नाइस, प्रांग प्रभु, सबका बिहेवियर था, सबने हैंड डाउन कर लिया। अब बिहेवियर में थोड़ा सा पर्टिकुलर जाते हैं, बिहेवियर में कैसे आप क्या क्या चीजें इसमें काउंट करोगे, टीचिंग के एंगल से आप बिहेवियर में क्या क्या चीजें काउंट करोगे, अभी और अपॉर्चुनिटी है आपके पास बोलने के लिए, बताइए। यस सर, नंबर मेरी डिटेल्स जो नए बच्चे आए हैं, क्योंकि हाँ हमसे क्यों, आई गेस समर कैंप में भी जो लोग नए लोग आए थे, हम लोग वी वर विद आवर फ्रेंड्स, जो होंगे और जो नए लोग थे दे वर अनअटेंडेड, सो आई गेस दैट रिस्पॉन्स वॉज नॉट गुड, सो हमारी डीलिंग बहुत मैटर करेंगी। आप इसे किस किस को लगता है ऐसा हुआ था? आप वर्चुअल हैंड रेस कीजिए, क्योंकि मेरे को सबका हैंड नहीं दिखेगा ऐसे, तो वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं जिस चीज को लगता है कि ऐसा हुआ था समर कैंप में। खुशी, बागनी, अरविंद, कनिष्का, गौरी, राम, रुद्राक्षी, चुपन्या, प्राची को नहीं लगता है। अच्छा आप लोग थे एक नहीं बार यहाँ पे उस रिपीट कर टाइम। सकते हो क्या? मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अरिंदम प्रभु ने बोला है कि हमारी डीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, हम डीलिंग्स के थ्रू प्रीच कर सकते हैं, और उन्होंने बताया कि हमने समर कैंप में जब नए बच्चे आए थे तब हम लोगों ने सिर्फ अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ ही बात की और उन्हीं के साथ रहे, हमने नए लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं किया, तो मेरा क्वेश्चन है किस किस को ऐसा लगता है? तो काफी लोगों ने हैंड रेस किया है जो लोग ऑलमोस्ट वहां पे थे उस टाइम पे। अर्जुन प्रभु आप नहीं थे उस टाइम पे वहां पे? अर्जुन तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों को एटलीस्ट पता है कि हमने क्या क्या गलत गलती की है, क्या क्या हमने मिस्टेक किया है उस टाइम पे, और ये हम लोगों को रिपीट नहीं करना है, और इस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है, हम लोगों काफी टाइम से अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं लगता है कोई नया आया है उसके साथ बात करनी है या नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर बन गया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यही चीजें होती है।
इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, यस नो करना पड़ेगा ना? आप लोगों को पता ही नहीं लगता है कई बार तो कि हमने ऐसे बिहेव कर दिया है ना, बट ऐसे हो जाता है, इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसे बिहेव ना करें। और प्रभुपाद ने मतलब जैसे जो आप लोगों ने सीखा है अभी तक, अच्छा ये क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है, अभी अरिंदम प्रभु ने बोला कि डीलिंग्स के थ्रू हम टीच कर सकते हैं, और कैसे टीच कर सकते हो, और कैसे टीच कर सकते हो? बताओ बताओ। प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा सबको प्रीच करने के लिए एक ऐसी चीज की थी, ऑब्वियसली कीर्तन किया था प्रभुपाद ने बैठ वहां पे, और एक और ऐसी चीज की थी जिससे बहुत लोग अट्रैक्ट हुए थे, और बहुत लोग प्रभुपाद का कंपैशन दिखा था उससे, या बहुत सारी चीजें। और कैसा क्या किया था प्रभुपाद ने? और सॉरी, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। यस। अभी अगर आप किसी के घर जाते हो, कोई आपको बहुत अच्छे से खाना खिलाता है बिठा के, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, या आपको लगता है पहले मेरी प्लेट लगाओ, हम कोई हमारे घर पे आता है पहले मेरी प्लेट लगाओ, बाकी सब बाद में देखेंगे, पहले मेरा पेट भरना चाहिए, ऐसा तो नहीं कोई करता? आई होप नहीं करता होगा कि कोई घर पे गेस्ट आए, मम्मा पहले मेरी प्लेट दे दो उनको, आप बाद में देखते रहना, ऐसा तो नहीं करता ना कोई? तो हमें देखना चाहिए कि अगर प्रसाद कोई नए डिवोटीज आ रहे हैं तो हमें उनको सर्व करना चाहिए। प्रभुपाद ने सिखाया हमें लव, सर्व, केयर, है ना? तो ये सब चीजें आप लोगों ने सीखी हैं, आप लोगों को मिली हैं, आप लोगों को आगे देनी है ना? क्लास सेटअप, कभी हम कहीं जाते हैं तो पहले से सेटअप होता है, और वो अगर आप लोगों ने खुद किया होगा ना, तो आप लोगों को लगेगा कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट है उस कोर्स में, नट्स में। आपको खुद लगेगा कि ये नट्स, अभी कभी कभी हमें लगता है कि नट्स हमारा नहीं है, कभी कभी आप लोगों को मे बी फील आता हो कि कोई बात नहीं क्लास है, कोई बात नहीं, या कुछ एक्टिविटी हो रही है, कोई बात नहीं नट्स की, बट आप लोगों को तब वो अपना लगेगा जब आप लोग उसमें उतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। घर में अगर आपको कोई पूछे है ना किसी भी काम के लिए, आप आओ और जाओ, आपको लगेगा ये आपका घर है, गेस्ट के घर में जाते हो, थोड़ी देर के लिए रहते हो, आते जाते हो ना, वो आपको इन्वॉल्व थोड़ी करते हैं किसी चीज में, करते हैं? या आप उनके घर पे जाके कुछ काम करते हो, खुद जाके मैं ये करती हूँ मैं ये कर दूँ, होता है कुछ नहीं होता, बट आप अपने घर पे होते हो तो आप सब चीजें करते हो ना, पार्टिसिपेट करते हो हर टॉपिक में, हर एक्टिविटी में, कुछ भी सेलिब्रेशन हो या कुछ भी हो, तो ऐसे हमें कुछ भी ऑर्गेनाइज हो रहा होता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तब आपको लगेगा कि ये नट्स हमारा है। अग्री? ऐसा तो नहीं लग रहा माता जी क्या बोली जा रहे हैं, पता नहीं आज क्यों क्लास में बुला लिया माता जी ने, इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं लग रहा? लग भी रहा होगा तो बोलोगे थोड़ी, है ना? ओके, तो ये सब चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोगों को प्रीच करना है, जो हमने सीखा है वो आगे देना है। और प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं ना, जिनसे हम कुछ सीखते हैं, हमारे मेंटर्स होते हैं, उनको हम कभी रीपे नहीं कर पाते हैं। कैसे रीपे करते हैं? प्रीच करके, ट्राई कर सकते हैं हमें चीज जो हमने सीखा है वो आगे सिखाने का, इस्कॉन में यही यही होता है ना, जो हमने सीखा है वो हम आगे सिखाते हैं, तो आप लोगों को वही करना, जो हमने सीखा है उसको आगे से पढ़ना है। तो जी आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? मुझे 2 मिनट देंगे माता जी, बस 2 मिनट देंगे। आई एम फाइंडिंग समथिंग, मैं पढ़वाऊंगा आपको। यस सर। तो आप लोग कौन कौन सपोर्ट करेगा अभी? बिकॉज हमें फैमिली तो बढ़ाना है, ऐसा तो नहीं है कि हम इतने बच्चे हर बार कैंप पे जाए, हर बार आए, कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी हो इतने ही लोग रहे हमेशा, तो आप लोग सपोर्ट करोगे इस चीज में? करोगे? क्या क्या करोगे अभी, ये भी बताना पड़ेगा। अब अपनी अब एटलीस्ट अगर आपको लगता है ना कि माता जी ये मेरा कंडीशनिंग है, मैं नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ किसी से बात अच्छे से ना, मेरे को भूल जाता है एकदम, पता ही नहीं लगता कोई नया करना है, तो आपको उस एफर्ट मारना पड़ेगा जैसे मैंने बोला। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों का क्या पॉइंट है जिस पे आप लोग काम करोगे और इसको इम्प्रूव करोगे? टीचिंग, क्लास सेटअप भी हो सकता है, आपको लगता है कि क्लास सेटअप माता जी हमारा लेट है, या हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, लेट तो नहीं होता ऑब्वियसली, हमारा टाइम पे होता है, बट जब भी कोर्सेज होते हैं, बट हमारी भी रेगुलर क्लासेस भी होती है, तब भी हम लोगों को कुछ सर्विस मिलता है ना, हम उसको बहुत कैजुअली लेते हैं, कई बार हो जाएगा कर देंगे कोई बात नहीं, कई बार तो
सेवा के लिए बुलाया होता है बट नहीं पहुंचते हैं, फोन कर करके पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि हम उसको अपनी सेवा नहीं ना समझ रहे, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, हम नहीं करेंगे तो कोई और कर रहा है, ये तो हमें ही करना है। अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं ना बाई चांस, तो हमें किसी और को एटलीस्ट कॉल करके बोलना चाहिए कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आप प्लीज चले जाओ मेरी जगह पर। तो एटलीस्ट हमारे सीनियर्स ने अगर हमें कोई सेवा दिया है ना, बहुत क्या होता है ना, कोई किसी को काम देता है तो उसके ऊपर अगर रिलाई कर देना तो पीछे बाकी की सर्विसेज ले पाते हैं। अगर हमें आपको सर्विस दी है बट आप उसको टाइम पे नहीं कर पा रहे, तो हमारी पीछे जो और सर्विसेज है वो भी स्टक हो जाएंगी, और आप लोगों वाला सर्विस भी, तो हमारा मतलब सामने 100% नहीं आ पाएगा, है ना। और हमें ऐसा भी नहीं है कि सारी सर्विसेज खुद के ऊपर ले लेनी है, कि बहुत सारी सर्विसेज मैं ही करूंगा मैं ही करूंगा मैं ही करूंगा और बाद में कुछ भी ना हो। ऐसे तो बहुत कम बच्चे हैं जो बोले मैं ही करूंगा मैं ही करूंगा मैं ही करूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपने बताया कि ये चीजें हमने नहीं की, और कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो? अभी नया ग्रुप आया है ना, नया आया है ना हमारे पास ग्रुप एक, उसमें 52 रजिस्ट्रेशन हैं, 42 बच्चे आए थे, अभी मेबी नेक्स्ट टाइम देखते हैं कितना आता है, फाइनल फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास कुछ बच्चे बचेंगे इसमें। तो आप लोग कैसे उनके साथ डील करोगे, या कैसे उनको सर्व करना चाहोगे, या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेना चाहोगे? बताओ। रुद्राक्ष अच्छा कृष्णा माजी ये कर सकता है कि उन्हें पर्सनली अप्रोच करना और उनसे पूछना कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं हो रही। लाइक बाय चांस वो जो स्पीकर से या फिर किसी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो पर्सनली जाके उनसे इंटरेक्ट करना है, उनसे पूछना कि उन्हें कैसा लग रहा है, कोर्स कैसा जा रहा है, ऐसे करके। पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना, जिससे आप उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको समझ पाओ, उनको हाँ मतलब उन्हें कंफर्टेबल फील करवाना। लगे कि वो इसका पार्ट है, ऐसा ना लगे कि ये कुछ और लोग हैं जो सीनियर्स हैं और हम नए आए हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको कि ये अलग हैं और हम अलग यस मैम। हैं। और ठीक है, और कोई कुछ नहीं बोलना चाहेगा डन? मैं दिखाऊं माता जी 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 कुछ तो मैं चाहूंगा आप में से अगर कोई इसको पढ़ सकता है तो ये एक बहुत फेमस पोयम है। आपको आई होप आपको सबको स्क्रीन दिख रहा होगा अभी। तो दिस इज अ वेरी फेमस पोयम। दिस नहीं ये थोड़ी यार ये वाला तो मेरे नोट्स हैं। दिस इज कॉल्ड द मैन नोबडी नोज बाय ब्रूस बार्टन। और तो He's writing about Palestine. Palestine का नाम सुना है आपने से किसी ने? Palestine किस लिए फेमस है? क्या है Palestine? When have you heard Palestine? बंद वो प्रभु जी ज्यूज और क्रिश्चियन लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। हाँ बताते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थ यहाँ पे हुआ था और पैलेस्टीन और इसराइल में अभी फाइट चल रहा है। अगर आपको ये भी पता है तो आपने हमास करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अटैक करा है वहां पे, तो युद्ध हुआ। कितने लोगों को पता थी ये बात? एक दो तीन चार पाँच छः सात सात लोगों को पता था बस कि ये संसार के अंदर चल रहा है। थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए हमें। इसराइल के अंदर भी हमारे डिवोटीज हैं जो जिनको फोर्सिबली आर्मी के अंदर इंडक्ट किया गया है अभी क्योंकि फाइट करना है उनको, बिकॉज दे आर सिटीजन ऑफ इसराइल। जस्ट इमेजिन अगर आपको या आपके किसी भाई बहन को या किसी बड़े व्यक्ति को आर्मी के अंदर इंडक्ट कर लिया जाए कि आपको जाकर के युद्ध लड़ना है और वहाँ पे बड़े बड़े बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, मुझे समझता है क्या सिचुएशन होगा। सो आर डिवोटीज आर गोइंग थ्रू सच फेस, उनको पता होना चाहिए इसके बारे में। वी शुड ऑल्सो ऑफर आर प्रेयर्स टू देम। जस्ट अ साइड टॉपिक जो पता होना चाहिए। नेवर्थलेस कमिंग बैक टू दिस दिस इज अ थीम। गिविंग गिव्स लाइफ नॉट ओनली टू अदर्स बट ऑल्सो टू आवर सेल्व।
जब हम कुछ देते हैं ना, तो देने से लाइफ, और सिर्फ हमको ही अच्छा नहीं लगता, सिर्फ हम लोग को ही फायदा नहीं होता इससे, सॉरी सिर्फ और लोगों को फायदा नहीं होता जिनको हम दे रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो गिविंग लाइफ टू आवर सेल्फ बाई गिविंग। तो ये है कहानी, कोई पढ़ना चाहेगा इसमें से? अर्जुन कहाँ दे रहे? अर्जुन पढ़ोगे यहाँ से? देर आर टू सीजन पैलेस्टीन। There are two seasons in Palestine. देखो इतना One. आपको आराम से पढ़ना है ताकि आपको भी समझ आए और बाकी सबको भी समझ आए, वैसे पढ़ना। One is fresh and fish are in it. Splashes of green adorn its banks. Trees spread their branches over it and stretch out their thirsty roots to sip off its healing waters. The River Jordan makes the sea with sparkling water from the hills. थोड़ा सा So और आराम से स्लोली। It laughs in the sunshine, and men build their houses near to it, and birds their nests, and every kind of life is happier because it is there. The River Jordan flows on south into another sea. Here is no splash of fish, no fluttering leaf, no song of birds, no children's laughter. Travelers choose another route. Unless on urgent business, the air hangs heavy above its water, and neither man nor beast nor fowl will drink. What makes this mighty difference in these neighbor seas? Not the River Jordan. It empties the same good water into both, not the soil in which they lie, not in the country round about. This is the difference. The Sea of Galilee receives but does not keep the Jordan. For every drop that flows into it, another drop flows out. The giving and receiving go on in equal measure. The other sea is shrewder, hoarding its becoming income jealously. It will not be tempted into any generous impulse. Every drop it gets, it keeps. The Sea of Galilee gives and lives. This other sea gives nothing. It is named the dead. There are two kinds of people in this world. There are two seas in Palestine. कोई बताना चाहेगा कुछ पढ़ के क्या समझ आया आपको? यस, तीन चार लोग हाथ खड़ा हुआ। गुड, एकदम प्रभु। यस सर, क्योंकि पैलेस्टीन में दो सीज हैं, तो बेसिकली और दोनों सीज में जो वाटर है वो जॉर्डन रिवर से आता है। बट द डिफरेंस बिटवीन द टू सीज इज दैट जो पहला है इट इज वेरी फ्रेश, एंड जितनी भी बर्ड्स या जो लोग हैं दे लव टू ट्रेवल थ्रू दैट एरिया, एंड वहाँ पे लाइफ बहुत अच्छे से फ्लरिश करती है। वेर एज देर इज अनदर सी विच इज वेरी फेमसली नोन एज द डेड सी, बिकॉज उसमें बोलते हैं कि उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, एंड वहाँ पे लाइफ के नॉट बी वहाँ पे मतलब लाइफ वहाँ पे मेनटेन नहीं रहती। अब उसमें जो ऑथर है उन्होंने उसका पोएट है उसने उसका रीजन दिया कि जो पहला सी है जो जॉर्डन रिवर से जो उसमें पानी आता है वो उसको देता है, दैट इज वाई इट फ्लरिशेस, एंड जितने भी बाकी सारे लोग हैं आसपास उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो दूसरा डेड सी है जो भी जितना भी पानी जॉर्डन रिवर उसको देता है वो अपने पास ही रखता है, वो शेयर नहीं करता। सो इट इज वेरी डैम्प एरिया, सो किसी को अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, सो तो गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या सीखा इससे बंदा? व्हाट ओके, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट खेलते हैं। व्हाट कंपैरिजन इज द ऑथर ट्राइंग टू मेक बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ सीज? तो जो फर्स्ट वाली सी है जिसके बारे में अभी अरिंदम भाई ने बताया, जो वाटर देती है, जो फ्रेश रहती है, तो इट बेस द ऑथर इज बेस पोएट इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि जो भी हमें नॉलेज मिलती है, अगर हम वो आगे दूसरों को स्प्रेड करते हैं और पास ऑन करते हैं, तो हम भी और ज्यादा सीखते हैं और फ्लरिश करेंगे. बट अगर हम बहुत सेल्फिशली वो सोचेंगे कि अगर हम दूसरों को वो नॉलेज देंगे तो फिर वो भी आगे बढ़ेंगे, हमसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे, ऐसा माइंडसेट रखेंगे, तो हम भी फिर फ्लरिश नहीं कर पाएंगे. हम भी मतलब जैसे डेड सी थी, दूसरी वाली सी थी, वैसे वैसे बन जाएंगे. वेरी गुड। हाउ कैन वी अप्लाई दिस टीचिंग इन आर डे टू डे लाइफ? क्वेश्चन 3, 2 मार्कर। कौन बताना चाहेगा? देखो जो ज्यादा हंस रहा होगा उसका नाम ले दूंगा फिर मैं।
कंट्रोल कर लो अपने मुंह को, फिर देख लो। बावनी बहुत हंसती है। यस बावनी, रवि जी आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, मुझे समझ क्वेश्चन ये है नहीं। कि ये जो जो सीख हमने ली, ये दो नदियों के कंपैरिजन से, इसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हमें जो दूसरा मतलब सी है जो कि अच्छे से फ्लरिश करता है, उसकी तरह मिलना चाहिए और अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए। नॉलेज, और नॉलेज के अलावा और कुछ शेयर कर सकते हैं बरा? यस प्रभु जी, प्रभु जी हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जैसे कि जैसे जो डेड सी की बात हुई थी, जिसके अंदर ज़्यादा लाइफ नहीं होती, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सॉल्ट होते हैं उसमें। तो हम अपने आप को डेड सी ले सकते हैं, और जो हमारे और जो उसके अंदर सॉल्ट है वो काइंड ऑफ इम्प्योरिटी है सी के अंदर। तो हमें अपने अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, या फिर जो हमारे अंदर जो भी दूसरों को हर्ट कर देंगी जो चीज़ें, और जैसे कि जो दूसरों के लाइफ से मैटर करेंगी, मतलब जो अच्छा इफेक्ट नहीं देंगी, हमको दूसरे जो दूसरा सी का एग्जांपल दिया था वैसे बनाना चाहिए अपनी लाइफ को, जहाँ पे सारे खुश रह पाए हमारे साथ। हाँ, बट यहाँ पे इम्प्योरिटीज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इम्प्योरिटी सी में से नमक निकालना तो मतलब सोच लो कितना डिफिकल्ट है। वैसे ही हमारे में से भी पानी निकाल, इम्प्योरिटीज दे देते हैं और हाँ पानी रख जी, लेते हैं, मैं अपनी वैसे इम्प्योरिटीज एग्जांपल दे रहा निकालना। हूँ। अच्छा एग्जांपल दिया, बट दिस इज डिफिकल्ट। इजियर वे क्या है राधिका? गिविंग अवे एवरीथिंग वी हैव गॉट, एवरीथिंग गुड वी हैव गॉट, इंक्लूडिंग नॉलेज, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, एवरीथिंग। इंक्लूडिंग आर होम, इंक्लूडिंग चैंटिंग बैग, फोन, सब कुछ दे दो। गिटार दे दो, अपना पियानो भी दे दो, आप सब दे दो। चलो हाँ राधिका तो बेघर हो गई, और कोई देना चाहेगा कुछ? से अगर हम अपना अच्छा म्यूजिक दे सकते हैं, और यू नो शेयरिंग नॉलेज अबाउट इट, वी कैन डू दैट। वो एवरीथिंग में तो नहीं आएगा ना, पर सोच समझ के बोलना चाहिए यार। इतना भाव में बह गए यार, तो बताओ इतना इतना तेज से जॉर्डन सी भी नहीं बह रही जितना आप बह गए। आई मीन जो थॉट्स हैं वो दे देने चाहिए। थॉट दे दें। अच्छा बिंदा, आप कुछ बताना चाहते हो? हाँ, तो एडिंग अ लिटिल टू राधिका दीदी पॉइंट, क्रेडिट इज आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आगे पास ऑन कर देना चाहिए। ओके गुड। देखिए तो अभी आपको पढ़ाते हैं भागवतम से, आपको आप सुन के अच्छा लगेगा। पढ़े कि भागवतम में भी सिमिलर चीज़ दिखी है। भागवतम के अंदर 10th कैंटो चैप्टर नंबर 22, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, व्हेन ही इज टेलिंग टू इज टॉकिंग टू इट्स फ्रेंड्स, उस समय कृष्णा स्पीक्स दिस वर्स, वेर इज ग्लोरीफाइंग ऑल द ट्रीज। वृंदावन के जो पेड़ है ना, पेड़ पौधे, उन सब की तारीफ करते हुए बोल रहे कि देखो ये पेड़ कितने महान हैं, क्योंकि इन पेड़ों ने ही अपना सब कुछ जो है सर्वस्व दान कर दिया। ये कुछ भी नहीं रखते हैं, ये इतने महान हैं कि अगर आप इनको मारो भी, अगर आप इनको काटो भी, तो भी ये क्या करेंगे, झुक जाएंगे और आपको और दे देंगे, वो अपनी लकड़ी दे देंगे अगर आप काटोगे। उससे अपना घर बनाओ, उसको आग लगाओ, कुछ भी करो, दे डोंट इवन केयर। वो बताते हैं हमको वैसे होना चाहिए, प्रॉपर्टी के अंदर प्रभुपाद बताते हैं। फिर भगवान आगे पेड़ों से कंपेयर करके हमें बताते हैं, वॉट इज ई ट्राइंग टू कन्वे टू अस इन दिस ब्यूटिफुल श्लोका। कोई पढ़ेगा? कोई पढ़ सकता है संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, प्लीज? और और लोग भी ट्राई कर कैसे ले, मैं सोच रहा हूँ जिन्होंने नहीं किया। अनूप पढ़ोगे? जी प्रभु जी, ट्राई कर सकता हूँ, मेरे तो इतने अच्छे हैं नहीं। यस एतावत जन्म साफल्यन देहि नामी ह देहिषु, प्राणेरथे धीरचा वाचा श्रेय आचरणम सदा। एतावत जन्म साफल्यम, जन्म साफल्यम मतलब जन्म को सफल करने के लिए क्या है, और ये देही नाम ही है देहीशु, जो भी देहधारी जीव है। भक्ति अवशेष महाराज इस श्लोक का बहुत बार कोट करते हैं, महाराज जी बहुत सारे लोग करते हैं। देही नाम ही है देहीशु, जो भी देहधारी जीव है इस देह के अंदर, उनको क्या करना चाहिए उसको एक्सप्लेन करते हैं, बता रहे हैं। सी प्राणेर बाय लाइफ
अर्थेर बाय वेल्थ, धिया बाय इंटेलिजेंस, वाचा बाय वर्ड्स, चार चीजों से। जो चार चीजें हमारे पास हैं, एक तो प्राण है यानी कि हमारा जीवन, हाँ लाइफ एयर से, दूसरा अर्थे यानी कि वेल्थ से, तीसरा दिया यानी कि बुद्धि से, और चौथा वाचा यानी कि वर्ड से। इसके थ्रू क्या करना है, श्रेय आचरणम सदा, ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों का हमेशा वो श्रेय हो, वेलफेयर। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग एंड लिविंग बींग, हर एक लिविंग बींग का क्या ड्यूटी है, टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटी। किसके लिए वेलफेयर एक्टिविटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स विद इज लाइफ वेल्थ इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स। ये ड्यूटी है हर एक लिविंग एंटिटी को, ये हमको करना चाहिए। दैट ऑल टाइम्स वेयर एवर वी आर, साने सीता श्रुति का दाम तनु वन मनोभिर, वट एवर वी आर डूइंग वी मस्ट रिमेम्बर दिस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं। और भक्ति सिद्धांत महाराज बाइल एक्सप्लेनिंग दिस वर्स ही टेल्स, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। सिंपल टर्म्स में महाराज बोलते हैं, वन हु हैज लाइफ ओनली ही कैन प्रीच। तो ये तो इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन हो गया। इसका नेगेटिव कॉनोटेशन क्या हुआ, व्हाट विल बी द अदर वे अराउंड। भाई ने बोला वन हु हैज लाइफ ही कैन प्रीच, व्हाट इज द अदर वे। हाँ सिंपल है यार, इतना क्या आप बोल रहे, मतलब जो प्रचार नहीं कर रहा ही इज एज गुड एज अ लाइफलेस पर्सन। इसको और थोड़ा ग्राफिकली महाराज बताते हैं कि अगर कोई प्रचार नहीं करता, अगर कोई ये श्रेय काम नहीं करता, वो पता है कैसे है, जैसे एक आलू का बोरा आपने देखा ऐसे साइड में ऐसे पड़ा होता है, वैसे उसको कुछ वो नहीं है, वो सड़ जाएगा बड़े बड़े कुछ समय बाद में, वैसे ही रहेगा। इट इज वॉट भक्तिदान महाराज सिद्धांत क्या है, सोचिए महाराज सिद्धांत पे बात करते थे ना, इज वाई द नेम भक्ति सिद्धांत। तो और एक बार क्या हुआ, ये बात है लॉस एंजलिस टेम्पल की। लॉस एंजलिस टेम्पल के अंदर एक समय पे सबसे ज्यादा डिवोटीज थे, देर अराउंड 400-500 डिवोटीज इन लॉस एंजलिस टेम्पल, क्योंकि वहां पे टू ऑफ द मोस्ट स्टॉलवर्ट डिवोटीज रहते थे, जयानंद प्रभु और विष्णुचंद महाराज, तमाल कृष्ण महाराज वहीं पर थे तीसरे। तो इतने अमेजिंग डिवोटीज थे, तो वहां पर प्रचार वॉज गोइंग इन लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति हो रही थी। तो वहां पे सब लोग को भेजा जाता, 400 के 400 लोग जाएंगे संकीर्तन करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन शाम के समय पे, हर रोज उनका शाम का फिक्स था, जाएंगे संकीर्तन करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दो तीन पार्टीज डिवाइड हो जाती थी। तो वहां पे एक बहुत फेमस डिवोटी थी जिनका नाम था जदुरानी माता जी। जदुरानी माता जी वो है जिन्होंने स्टार्टिंग से ही पेंटिंग्स बनाई है, जो सारी पेंटिंग्स में होते हैं ना, भगवदगीता में, भागवतम में, कृष्णा बुक में। प्रभुपाद ने उनको ही वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, प्रभुपाद ने उनको पर्सनली सिखाया, ट्रेन किया, मूड दिया, एंड शी यूज टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल पेंटिंग, शी यूज टू ट्रेन अदर आर्टिस्ट ऑल्सो। तो प्रभुपाद, ये समय चल रहा था दिसंबर का, नवंबर का, और प्रभुपाद बुक्स पे बहुत प्रचार जोर करते थे कि बुक्स बुक्स बुक्स। तो जदुरानी माता जी ने बोला कि प्रभुपाद मैं भी जाऊंगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो प्रभुपाद ने मना कर दिया, बोले आप मेरे को क्यों मना कर रहे हो, आप ही तो बोलते हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेरी फेवरेट सर्विस, अब मेरी फेवरेट सर्विस, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जो संकीर्तन करेगा वो भगवत धाम जाएगा, तो मैं जा रही हूँ, मेरे को भी प्रचार करना है, मैं कब तक बैठ करके पेंटिंग बनाती रहूंगी, ऐसे मैं तो प्रचार नहीं कर पा रही हूँ, मैं आई एम जस्ट सिटिंग ऑल डे लॉन्ग विद अ ब्रश इन माई हैंड डूइंग समथिंग ऑन द कैनवस इन माई रूम, आई एम नॉट एबल टू प्रीच, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो इन प्रीच। तो प्रभुपाद ने बोला कि जो आप कर रहे वो भी प्रचार है, स्टिल ऑल्सो प्रीचिंग। लोग बुक्स तो बांट रहे हैं, बुक्स के अंदर लोग आपका पेंटिंग देख करके अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज हाउ यू आर प्रीचिंग। तो प्रचार करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वॉट वी हैव टू डू इज दिस, श्रेय आचरणम सदा, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज वी हैव टू वर्क। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे रुद्राक्षी ने एक चीज बोला, अ वेरी सिंपल थिंग वी कैन डू इज जस्ट बी फ्रेंड न्यू पीपल, दोज आर कमिंग, उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं, और कुछ नहीं। तो
उनको अपना अपना फन फील कराया जाए वहां पर पे। ओके यू हैव कम न्यू, यू हैव कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या पहली बार आए हो, कैसा लग रहा है आपको, वो सब जानो पहचानो, उनसे बात करना बाय जस्ट टॉकिंग टू देम वेरी नाइसली। और मैं ये सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है तो भाई हमको अपना काम निकलवाना है, तो इसके लिए आपको बोल रहे हैं। इट्स द जनरल प्रिंसिपल, हमारे मंदिर के अंदर कोई भी आ रहा है तो वो राधा दामोदर जी का गेस्ट है, तो राधा दामोदर का गेस्ट है तो उनको उस लेवल का मिलना चाहिए ना, कि भाई भगवान का गेस्ट आया हमारे घर के अंदर। और हम उनको बोलते हैं कि यहाँ वॉशरूम कहाँ पर है, तो उनको ये भी सही से नहीं बताते, मतलब आगे जाके ढूंढ लेना, चले जाना, फिर हम हंसते खेलते अपना बात करते चले जाते हैं। बट बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से वी कैन एक्चुअली मेक देम फील वैल्यूड, सब चीज़ें करना। और ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं एक्चुअल में, और प्रीचिंग के अंदर असिस्ट कर सकते हैं। जो प्रभुपाद ने बताया कि जो पुजारी पूजा कर रहा है ना, जो मंगला आरती कर रहा है, वो भी प्रचार कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से डीटी जितना सुंदर से ड्रेस्ड है, उनका टाइम से पूजा हो रहा है, तो लोग बड़ा देख के अट्रैक्ट होते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ पे 4:30 बजे सुबह सुबह आरती हो जाती है, 12:30 बजे आरती का टाइम क्या है, फिक्स है आरती का टाइम। बहुत सारे टेम्पल्स में आरती का टाइम फिक्स नहीं है, जहाँ पे लोग को बड़ा अच्छा लगता है कि अरे अच्छा, अब रोज सुबह सुबह 4:30 बजे उठ जाते हो, इतने बजे आरती होती है, ये पुजारी है दोस्तों प्रीचिंग। इसमें जो मंदिर के अंदर सफाई कर रहा है वो भी प्रचार कर रहा है। कैसे प्रचार कर रहा है, कि मंदिर अगर सही नहीं है, सही से उसको अपनी सेवा नहीं करी, टेम्पल ऑल गंदा है, तो लोग बोलेंगे नेक्स्ट टाइम दे विल हैव अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ दिस, कि भाई ये अच्छा नहीं है, तो नहीं आएंगे। वैसे ही आप सोचिए कि हम कितने डिफरेंट तरीके से, जस्ट बाय आवर, नॉट जस्ट बाय आवर बिहेवियर, बट बाय स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट वी आर डूइंग, वी कैन डू प्रीचिंग। सिंपल सिंपल चीजों से कितने अलग अलग तरीके से हम प्रचार कर सकते हैं, एंड वी कैन इम्पैक्ट द पीपल दैट दो हु आर कमिंग, सब चीजें ना। ओके लेट अस डू वन स्मॉल थिंग, 2 मिनट लेते हैं हम, बस 2 मिनट के अंदर आप इफ इफ यू कैन जस्ट स्टार्ट लिस्टिंग डाउन, मतलब हमको नहीं सुनना, बट जस्ट स्टार्ट लिस्टिंग डाउन, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट लीजिए, 1 मिनट लीजिए, और जस्ट स्टार्ट लिस्टिंग डाउन ऑल द डिफरेंट चेंजेस दैट हैव कम इन योर लाइफ आफ्टर यू कम इन दिस एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लासेज ओवर हेयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नट्स ओवर हेयर, बट जब से आप लोग एक दूसरे के एसोसिएशन में थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ द प्रोग्राम दैट वी आर डूइंग, आप एक दूसरे एक लोगों के एसोसिएशन में आए हैं, यू गॉट दिस, आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, या क्या क्या आपको बहुत अच्छा लगा है, 1 मिनट लीजिए फटाफट सब लोग और लिखिए उसको, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या लिख रहे हैं प्रभु जी? ये लिखना है कि जब से यू हैव कम इन द एसोसिएशन ऑफ दिस डिवोटीज हेयर एट नट्स, मतलब नट्स ने बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है। अल्टीमेटली क्या हुआ है, आप लोग भगवान से कनेक्ट हुए हो, टेम्पल से कनेक्ट हुए, एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो, तो जब से ये सब हुआ है आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, या फिर आपको क्या क्या अच्छा मिला है, बेसिकली थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, वो सब चीजें। 40 सेकेंड और रह गए हैं। Last 10 seconds, 15 minutes. थैंक यू। आई होप आप लोग दो दो तीन तीन पॉइंट तो लिख ही पाए होंगे, एटलीस्ट इफ इफ नॉट मोर, एटलीस्ट दो तीन पॉइंट सब लोग लिख पाए होंगे।
नाउ जो भी आपने 2 3 4 5 पॉइंट लिखे हैं, माय रिक्वेस्ट इज कि उन पॉइंट्स में से सिलेक्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच हैव रियली अफेक्टेड यू। वो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप देखिए जो आपको मतलब रियली आपको इम्पैक्ट करा है। नाउ थिंक ऑन दोज टू थिंग्स, और वो दो जो दो चीजें हैं वो सोचिए कि ये जो दो चीजें हैं जिनके लिए आप बहुत, जिनके लिए आई होप आप लोग ये यू आर फीलिंग ग्रेटफुल, यू आर फीलिंग लाइक यस कि मेरे को बहुत अच्छा मिला, आई एम रियली थैंकफुल टू लॉर्ड कृष्णा, टू दिस डिवोटीज, टू ऑल ऑफ दिस फ्रेंड्स हु आर हियर जिनके वजह से आई हैव गॉट दिस। वी वॉन्ट दैट यू हेल्प अस इन गिविंग दीज टू क्वालिटी, दीज टू थिंग्स, या ये जो दो चीज़ों से जो फीलिंग जनरेट हुआ है ना आपके अंदर, ये हम चाहते हैं कि आप नए लोगों को देने में हमको हेल्प करें। सो इट इज एन इंडिविजुअल टास्क फॉर यू ऑल, एंड वी आर नॉट आस्किंग बिकॉज वी आर, वी डू नॉट वॉन्ट टू डिमांड, बिकॉज ये चीज़ हमको बहुत क्लियर है कि सेवा जो है ना वो इंस्पिरेशन से ही होती है, इंटरनल इंस्पिरेशन से। हम कितना भी किसी को वो कर दें ना, उनकी सेवा लगा दें, फोर्स कर दें, अगर उसको नहीं करना ना तो वो कैसे ना कैसे गोली मार देगा, और गोली मार करके वो गायब हो जाएगा। ही विल नॉट, और ही और शी विल नॉट डू सर्विस। बट अगर किसी को एक्चुअल में सेवा करनी होती है ना तो वो कैसे ना कैसे करके भी सेवा कर लेता है, हेयर एंड देयर वॉट एवर। यहाँ पे माता जी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, सब कुछ करते हुए, अपना जॉब भी करते हुए, फैमिली भी करते हुए, और उनका कॉस्ट्यूम है उसको भी मैनेज करते हुए, यहाँ पे सब कुछ टाइम से खाना बना करके प्रभु जी को दे करके शी इज देयर फॉर द क्लास, उसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं। तो जिनको सेवा करना होता है ना उनके, उनको बहाने नहीं देते हुए, दे कैन डू दिस एंड वी नो दिस। वही मैं कह रहा हूँ कि लेट अस कनेक्ट अगेन विद आवर सेल्फ एंड सी कि वो जो दो चीज़ें हैं या और भी हो सकती हैं जिसने हमको एक्चुअल में बेनिफिट किया है, वी जस्ट वॉन्ट योर हेल्प टू गिव दोज टू थिंग्स टू अदर्स। इफ इट इज फ्रेंडशिप देन यू गिव योर फ्रेंडशिप टू द न्यू पीपल, इफ इट इज यू नो एक्सपोजर इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, वी वॉन्ट यू टू हेल्प अस क्रिएट दैट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू वो लोग की सेवा हो सके। अगर वो है से लॉजिक्स जो आपको मिले, जैसे आपको बहुत क्लैरिटी मिला भक्ति में, सो वी वॉन्ट योर हेल्प इन गिविंग दोज लॉजिक्स टू दोज पीपल। मतलब हम अकेले कर सकते हैं, वी हैव नर्चर्ड यू पीपल ऑल्सो, वी कैन डू अदर्स ऑल्सो, वी कैन डू टू अदर्स ऑल्सो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। बट देन दिस थिंग कि अगर आप नहीं दे रहे जो आपको मिल रहा है तो फिर देन वॉट आर यू डूइंग लाइफ, वो जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स हमको पता है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा जब नए डिवोटीज कनेक्ट होंगे, नए लोग कनेक्ट होंगे, दे विल बिकम डिवोटीज, जब वो लोग चैंट करेंगे है ना, डांस करेंगे एक साथ में, प्रसाद पा रहे हैं, खेल रहे हैं, इतने सारे और टीनेजर्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग, दे आर विलिंग टू सर्व, वो आपसे पूछ रहे हैं छोटी, आपसे पूछेंगे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि तिलक कैसे लगाते हैं, ये क्या करते हैं, जब आपसे चीज़ों, दे विल आस्क यू हाउ टू सर्व, ये कैसे करते हैं, हमसे पूछेंगे धोती कैसे बांधते हैं, ये सब करते हैं। मेरे को इसमें चैलेंज आता है, मेरे दोस्त मेरे को ऐसे बोलते हैं, मैं क्या जवाब दूँ इसका, मेरी मम्मी घर पे कभी कभार ऐसे बोलती है। तो ये सब चीज़ें जब आपसे पूछेंगे ना तो यू विल फील लाइक रियली नाइस, बट उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा हमको, उसको अच्छा नहीं लगेगा। जय माता जी कह रही थी कि हमको क्या लिमिटेड फ्रेंड्स ही चाहिए, आई एम श्योर किसी को नहीं चाहिए लिमिटेड फ्रेंड्स, वी ऑल्सो वॉन्ट आर फैमिली टू ग्रो, सब बड़ी हो धीरे धीरे कर करके। ये 6 7 बच्चे क्लास में आते हैं, किसको अच्छा लगेगा, 30 40 50 लोग हो क्लास के अंदर, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग अलग अलग सेवा कर रहे हैं, वी विल ऑल्सो फील प्राउड ना कि आर फैमिली इज ग्रोइंग, वी आर डूइंग सो मच, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। दिस इज द थिंग, टीचिंग बढ़ेगा एवरीवन विल फील हैप्पी, बट उसके लिए एफर्ट भी करना पड़ेगा, और प्रीचिंग तो एनीवेज बढ़ जाएगा बिकॉज महाप्रभु का वो है, ये भविष्यवाणी है, पृथ्वी से आते अच्छे जद नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। महाप्रभु का ये प्रिडिक्शन है कि अगले 10,000 साल के अंदर हर एक टाउन एंड विलेज के अंदर प्रचार फैलेगा, और फैल ही रहा है, बढ़ रहा है।
हमारे पास ये चॉइस है कि इस ग्लोरियस मोमेंट के अंदर हम थोड़ा सा अगर भैती गंगा में हाथ धो लें, अगर हम थोड़ी सी आहुति दे दें तो हमको बहुत फायदा मिल जाएगा इसका। दैट इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन इन द भगवद गीता, इज सेइंग मय एव हिता नितम पूर्वम एव निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। बोल रहे हैं कि ये जो सारे लोग हैं ना, इनको ऑलरेडी मैं मार चुका हूँ, दीज आर नॉट लिविंग, दीज आर डेड। भगवान दिखा भी देते हैं अर्जुन को विश्व रूप के अंदर, वो बोलते हैं देखो कर्ण मर गया, ये दुर्योधन मर गया, दुशासन मर गया, अर्जुन देख पा रहे हैं। बोल रहे हैं आपका इतना रोल है कि बस आपको निमित्त मात्र, यू जस्ट हैव टू पार्टिसिपेट, बस युद्ध में पार्टिसिपेट करो, बाकी मार तो मैं ही रहा हूँ। आर स्मॉल चांस टू बी पार्ट ऑफ द लीला। आप सोचो ऐसे करके अगर आप हेल्प करोगे, बिकॉज मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ कि वो बच्चे जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो और जल्दी और अच्छे से दे विल गेट कनेक्टेड अगर आप लोगों को देखेंगे, बिकॉज यू आर लिविंग एग्जाम्पल्स फॉर देम ना। हम उनको जो बता रहे हैं क्लास के अंदर, जो हम उनको थ्योरी बता रहे हैं, यू आर पीपल हु हैव गॉन थ्रू दीज प्रैक्टिकल्स, यू आर अ प्रैक्टिकल लिविंग लैब इन फ्रंट ऑफ देम। तो जैसा जैसा आपका आचरण होगा ना, वैसा वैसा उतने ही लेवल पे वो लोग प्रभावित होंगे और उतने ही लेवल पे दिस पीपल। ये मैं आपको प्रीचिंग के सिद्धांत बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग जस्ट फॉर दिस कोर्स या उसके लिए ना, बट बता रहा हूँ कैसे काम करता है ब्रीथिंग। पीपल को जो पीपल गेट इंस्पायर्ड, वो प्रभावित तभी होते हैं जब वो देखते हैं कि भक्त बड़े अच्छे हैं। बस इतना बहुत होता है उनको देखने के लिए, अरे यहाँ यहाँ पे बड़े अच्छे लोग रहते हैं, खुश मिजाज हैं, अच्छे हैं, खेलते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, वो सब करते हैं। आई रिमेम्बर वेरी वेल जब मैं इनिशियली जाता था तो क्यों मैं उन लोगों से अट्रैक्ट हुआ, बिकॉज मेरे को बड़ा आई फेल्ट वेरी वैल्यूड ओवर देयर, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था उन लोगों से मिल करके। यह तो बड़ा अच्छे लोग हैं, मेरे से बड़े प्रेम से बात करते हैं, मेरे को प्रसाद ला करके देते हैं, है ना, मेरे को एक्स्ट्रा गुलाब जामुन भी देते हैं। मैं बोला था वो वाले प्रभु एक्स्ट्रा गुलाब जामुन देते हैं, तो अगली बार जब जाएंगे तो उनको ढूंढते हैं कि वो प्रभु जी इन्होंने मेरे को लास्ट टाइम एक्स्ट्रा गुलाब जामुन दिया था। भले ही इच्छा ना हो फिर से लेने की, बट वो याद रह जाता है। ऐसे स्पेशल स्पेशल मोमेंट्स आप लोग याद कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, कैसे आप लोग कनेक्ट हुए, या किन लोगों से आप कनेक्ट फील करते हैं, या किन लोगों के साथ मतलब कभी कुछ इच्छा होती है मिलने की या वो करने की, तो क्यों होती है? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ दी स्मॉल स्मॉल लविंग एक्सचेंजेस, दैट इज वॉट वी हैव टू रेप्लीकेट। जो हमने हमारी लाइफ के अंदर देखा है होते हुए, जो हमारे साथ हुआ है, वो हमको करना है ना। ऐसे करके जब हम करेंगे लोग बढ़ेंगे, और सारे लोग आएंगे, वो लोग अपने दोस्तों को लेकर के आएंगे, वो भी जब देखेंगे कितना अच्छा कल्चर है यहाँ पर डिवोटीज में ना, इतने प्रेम से रहते हैं, इतना अच्छे से सब लोग बिहेव करते हैं, दे लव रिस्पेक्ट केयर फॉर एवरीवन, तो वो लोग भी उनको वैल्यूड फील होगा, दे विल ऑल्सो ब्रिंग देयर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को ये वैल्यूड फील होगा, ऐसे करके प्रचार बढ़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम एक बस की जगह चार बस जाएंगी कैंप में हमारे, यात्रा होगा तो ना, तो हम छोटे से रूम के अंदर 40 लोग फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे, हो सकता है हम हॉल ही बुक कर लें, पूरा सिंपल हॉल के अंदर क्लास हो हमारा अगली बार। सो मच मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग, आपको आपको मौका मिलेगा सर्विस करने का, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विल गेट अ प्लेटफॉर्म टू एनहेंस, बिकॉज यू आर अ फर्स्ट बैच, यू आर द मोस्ट स्पेशल बैच। मेरे को नहीं लगता आगे जितने भी लोग हैं उनको कुछ भी मिल पाएगा, इतने इतने आप जितना आपको मिला उतना नहीं मिल पाएगा किसी को, द सेम लेवल ऑफ ट्रेनिंग, लव, पर्सनल एसोसिएशन, किसी को कुछ नहीं मिल पाएगा। यू आर आप लोगों को मिला है, इट इज योर चर्न, इट इज योर टर्न, योर चांस टू गिव इट, टू शेयर इट विद अदर्स। नहीं करेंगे सो देन वी आर एज गुड एज द डेड सी। ऑफकोर्स वैष्णव आर द वेरी हैप्पी, सुंदर गोपाल प्रभु इसको ये लाइन गाते हैं, दिस इज फ्रॉम कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, ताहा ले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, वैष्णवेर कृपा अतिशय, माया दुष्ट जता दुखी, जगते सबाए सुखी, वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण। द वैष्णव आज दे विल बिकम वेरी हैप्पी, और आनंद होगा उनके हृदय के अंदर जब जो लोग परेशान हैं इस संसार के अंदर, जो लोग सफर कर रहे हैं, दे गेट कनेक्टेड टू लॉर्ड। तो यही हमारा छोटा सा प्रयास है, यही हम बेसिकली चाहते हैं कि हो, एंड आप अगर उसमें सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा।
हो ही जाएगा सब, महाप्रभु का आदेश है। इट इज योर चांस, इट इज योर टर्न टू सी अगर इफ यू कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग इन दिस एंड मेक योर एफर्ट काउंटेड कि हाँ हमने भी कुछ सेवा करी थी इसके लिए, तो हमारा भी नाम लिखा जाएगा फिर। ये अच्छा बच्चा था, इसने ये सेवा करी थी, इसने ऐसे किया था, ये पानी लेकर के आता था, ये जो है पहले झाड़ू लगाता था, ये प्रसाद बांटता था। कुछ लोग ऐसे भी, अब आपके पास ये भी मौका है कि वाइंड अप भी कराते थे, ये बहुली सेवा भी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जब सब लोग चले जाते हैं प्रसाद बढ़ जाते तो उसके बाद ये जा करके दरी को उठाते थे, प्रसाद की बाल्टी को नीचे तक करके आते थे, प्रोजेक्टर को फोल्ड करके रखते थे और उसको रूम में रख करके आते थे, ऐसे लोग भी थे। छोटी छोटी सेवा बहुत काउंट होती है, भगवान देख लेते हैं। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से, ओवर टू मारवा। नहीं, ऑलमोस्ट सब चीज़ हमने कवर कर ली है, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर है, जैसे प्रभुजी ने बोला कि हम नहीं करेंगे तो भगवान ने किसी ना किसी और को अपॉइंट कर ही देना है इस चीज़ के लिए। हमें तो बस मौका मिला है, हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप लोगों का वीडियोज ऑन करने के लिए, वीडियोज ऑन करके बैठने के लिए। थैंक यू सो मच कृष्ण, और दो चीज़ के बारे में हमने बात करी, वो दो चीज़ हम करेंगे जल्दी। एक तो मैंने बताया ही, सबसे पहला क्या बताया था, सबसे पहला मैंने जी क्लास का पहला शब्द ही बोलता हाँ क्लास में, सबसे पहला सेंटेंस वही बोला था आपने क्या कि हमारा ऐसे टाइम पर पिछले साल एसएटी टेस्ट हुआ था, तो हाँ एक्चुअल में 9 अक्टूबर को हुआ था, हम 3 दिन लेट चल रहे हैं अभी, तो वो भी करेंगे और कैंप भी कर देते हैं जल्दी, ठीक है। ये भी अच्छा मौका है आप लोगों के पास में, लड़कों के लिए विप्लव हो रहा है, लड़कियों के लिए आराधना फेस्ट हो रहा है, फायदा उठाइए उसका, जाइए उसके अंदर और लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, टेल देम अबाउट योर सेल्फ, मेक न्यू फ्रेंड्स एंड शो देम कल्चर। हरे कृष्ण। कैम था दूसरा, कैम कैम भी करेंगे, मैं आपको जल्दी उसका डिटेल्स बताता हूँ।